अम्बाला में बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचकर पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा पीड़ित लोगों को मदद का भरोसा दे रहे हैं। इसी कड़ी में विनोद शर्मा ने करीब आधा दर्जन गांवों का दौरा किया और बाढ़ पीड़ितों का हाल जाना है। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री ने यह कहा कि जिनकी जिम्मेदारी थी वो जिम्मेदारी से भाग गए, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। बाढ़ प्रभावित लोगों को मदद का आश्वासन देते हुए कहा कि शर्मा परिवार हमेशा लोगों की मदद के लिए तैयार है, स्थिति चाहे जैसी भी हो शर्मा परिवार लोगों के साथ है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि बाढ़ ग्रस्त गांवों में सैनिटाइजेशन का भी काम किया जा रहा है, जिससे कि बीमारियों से बचा जा सके। विनोद शर्मा ने कहा कि राजनीतिक जीवन में ईमानदारी सबसे ऊपर है और मेरी ईमानदारी आपके प्रति है। विनोद शर्मा ने कहा कि अम्बाला में हम IMT लगवाएंगे, जिसमें हर तीसरे घर में नौकरी मिलेगी। खबर से